ये प्लेन 50 साल बाद मिली थी, 50 सॉरी, ये प्लेन 35 ईयर्स के बाद मिली थी, ये बोलने की जरूरत नहीं है। कट 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 कटिंग 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 सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ दोस्त आपका यार का प्रा लगा हूँ एक और वीडियो, और आज ये वीडियो होने वाली है एक नए वेब सीरीज पे जो रिसेंटली आई है, और उस वेब सीरीज का नाम है JL50, और आज हम उसके टीजर पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। और ये वेब सीरीज में स्टार्टिंग कर रहे हैं अभय देओल एंड पंकज कपूर, जो बहुत अच्छे एक्टर है, और हम उनको बहुत दिनों के बाद देखेंगे एक अच्छे रोल पे। सो ये स्टोरी है अबाउट एन एयरक्राफ्ट जो मिसिंग चला गया था एंड जो 35 ईयर्स के बाद मिला है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या ये रियल लाइफ स्टोरी है या क्या ये ट्रू है। सो हम पहले टीज़र देख लेते हैं और उसके बाद करेंगे बाकी बातें। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर मार देना इस वीडियो पे, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, और वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम चलते हैं टीज़र पे। सो लेट्स गो। जो प्लेन हमें मिला है वो 35 साल पहले कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ा था, फिर गायब हो गया। 35 साल पहले गायब हुआ और अभी मिला है। इंडिया में सब कुछ थोड़ा लेट होता है। ये प्लेन पिछले हफ्ते ही क्रैश हुआ है। सो गाइज, ये था टीज़र जो छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है, मेरे को पता है टीज़र छोटा होता है, टीज़र में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं जाता, मेरे को पता है। पिछले एक स्कैम वाले वीडियो पे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि टीज़र क्या है पता नहीं क्या, विथ ड्यू रेस्पेक्ट कि मेरे को पता है, एंड मैं नया था तो ज़्यादा पता नहीं था, सो मैंने ऐसे बोल दिया और अपलोड भी कर दिया, इतना पता नहीं था। सो उनकी बातें मैंने ली और सुनी, और फिर मैंने अभी रिसर्च करके मैं बोलता हूँ अगर ऐसी कोई स्टोरी आती है या ऐसी कोई मूवी वेब सीरीज़ आती है तो। और ये वेब सीरीज़ वैसी ही है, इट्स ए वेब सीरीज़ इंस्पायर्ड है, एक ये लग रहा है कि ये इंस्पायर्ड एक रियल लाइफ स्टोरी पे, और एक एयरप्लेन था AN-12, वो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था जो टेक ऑफ हुआ था February 7, 1968 को, और वो मिला था 2003 को, ऐसे टू दिखता है ना, सो 2003 में मिला था, और उसी से इंस्पायर्ड लग रही है स्टोरी। और टीज़र पे हमने देखा कि पंकज कपूर बिलीव नहीं कर पा रहे, वो बोल रहे कि इंडिया थोड़ा स्लो है, उसमें धीरे धीरे काम होता है, लेकिन फिर बाद में अभय देओल जब बोलते हैं कि वो बहुत सालों के बाद मिला है, तब वो थोड़ा समझते हैं। तो और एक बात, ये स्टोरी मैंने जब रिसर्च किया तब ये भी देखा कि ये उससे भी इंस्पायर्ड हो सकती है, कि एक और प्लेन था, थोड़ा मैं देख रहा हूँ, और सैंडियाको का फ्लाइट था 513 जो जर्मनी से टेक ऑफ हुआ था, और फिर बाद में वो मिसिंग चला गया था, लेकिन 35 ईयर्स के बाद वो मिला था, 35 ईयर्स के बाद, और उसमें जो पैसेंजर्स थे सब स्केलेटन बन गए थे। सो 35 ईयर्स और सीट बेल्ट एकदम सब
जगह पे था लेकिन वो स्केलेटन बन गए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो एक टाइम रैप में घुस गए थे, टाइम टाइम क्या बोलते हैं, टाइम ग्लोब, टाइम शील्ड, एक टाइम टोर्नेडो पे घुस गए थे, तो इसलिए वो 35 ईयर्स के बाद मिले थे। और ज़्यादा कुछ नहीं इस टीज़र पे तो कुछ नहीं था। टीज़र से मैंने पता लगाया कि ऐसा कुछ था, सो उससे इंस्पायर्ड हो सकता है ये। सो देखते हैं, हम टीज़र के लिए सॉरी हम ट्रेलर के लिए वेट करते हैं, और उसके बाद हम फिर से एक और वीडियो बनाएंगे इसी के ऊपर, उस ट्रेलर के ऊपर। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए देखते रहिए रिएक्टर रिएक्ट्स, और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो कीप सपोर्टिंग गाइज, कि ऐसे में रोज़ वीडियो लाते रहता हूँ, लाऊंगा आगे भी, और चैनल ग्रो करेगा। सो मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। लेट्स गो।